अस्सलाम वालेकुम जय हिंद मेरे भाइयों, मैं आपकी बहन सैयद नाहिदा कादरी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 1 फरवरी मंडे यानी पीर का दिन है, और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास एक बहुत ही मजबूर और बहुत ही लाचार एक माँ आई हुई है, जिनका कोई सहारा नहीं है। बेचारी पिछले 3 दिन से रो रही थी, आज रोते हुए मेरे ऑफिस पर आई है बहन, जो सईद अली चबूतरे पर रहती है बहन, और इनका एक बेटा है, एक लौता एक ही बेटा है, इनके शौहर नहीं है, बहुत परेशान है बहन। एक आप लोग देख सकते हैं, ये लड़के का ऑपरेशन हुआ है 3 महीने पहले। ये लड़के का पेट का ऑपरेशन किया गया था, पेट में एक अथरी सड़ चुकी थी जिसे निकाल कर फेंक दिया गया, और ये लड़के के पेट के ऑपरेशन की रिपोर्ट्स है। 3 महीने पहले ऑपरेशन किया गया था, और इस वक्त बच्चों को ये ट्रीटमेंट करवाना चाहती है, फिर से दवाखाने में बताना है, लेकिन इस वक्त माँ के पास इनके पैसे नहीं है। और ये बच्चे के जिस्म में पूरा कॉपर आ गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है बच्चे को। ये कॉपर आने की वजह से टेस्ट हम डॉक्टर्स लिख कर दिए हैं, इनको टेस्ट करवाने के लिए कहा है डॉक्टर्स ने। यहाँ पर टेस्ट है, ये आँख का टेस्ट है, ये आँख के कॉपर जो है, ये पूरा इसका जो अटैचमेंट है पूरा पेट से है बच्चे के। बहुत बीमार है लड़का, तो इनकी माँ के पास ना दवाइयों के लिए पैसे है, ना ही टेस्टों के लिए पैसे है। पेट बताओ बेटा, ये आप देख सकते हैं बच्चे की जो ऑपरेशन किया गया, 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, जो बच्चे की अदरी निकालकर फेंक दी गई है। इस वक्त इनकी माँ बहुत तकलीफ में बेचारी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट कराना है, जरा आप लोग मेरे बच्चे के लिए मदद फरमाइए। उनको 10,000 रुपये की ज़रूरत है। मैं नाहिद मैडम को 3 दिन से बोले थे, नाहिद मैडम आज मेरी मदद के लिए आपके सामने जो बोल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बस मेरे ये बहन का देखिए आधार कार्ड है, बच्चे का आधार कार्ड है। इस वक्त बच्चे को उठने बैठने के लिए तकलीफ है, क्योंकि इस वक्त जो परेशानी है बच्चे की तकलीफ है। बहन चाहती है कि बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास लेकर बताया जाए। या देख सकते हैं आप एशियन हॉस्पिटल जहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे को ऑपरेशन किया गया था, और यहाँ के तमाम रिपोर्ट्स भी मेरे साथ पूरे मौजूद है बच्चे के ऑपरेशन के। तो बस ये बहन चाहती है कि इनको 10,000 रुपये की मदद की जरूरत है, जिसमें ये बच्चे को जो आँख के टेस्ट लिखे गए हैं वो बंद करवाना है, और साथ ही में जो लड़के का जो पेट का ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन का फिर से उन्हें एक्सरे निकलवाना है, और डॉक्टर की दवाइयां वगैरह का पूरा खर्च है। तो आप लोग जैसे चाहें इनके लिए मदद दे सकते हैं। बेचारी बहुत तकलीफ में है, बहुत रो रही है, कोई इनका सहारा नहीं है। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जैसे चाहे आप मदद दे सकते हैं इनको। टोटल 10,000 रुपये की मदद की जरूरत है बहन को। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी आकर मदद देना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आकर मदद दे सकते हैं। डायरेक्ट आकर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं बच्चे को, टेस्ट करवाइए, या फिर एशियन हॉस्पिटल में जाकर जो डॉक्टर के हाथ पे बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ है वहां भी जाकर अगर आप बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वैसे भी करवा सकते हैं। बस आप लोगों की देखिए बराबर अल्लाह ताला का आपको बराबर सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से, क्योंकि ऐसे मजलूम लोगों की मदद करना, उनके ऐसे वक्त में साथ देना बहुत ही बड़ा सवाब का नेक काम है। और बच्चा बेचारा इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसको उठने बैठने के लिए तकलीफ है, एक लौता एक लड़का है उनकी माँ का, ये तो बेचारी बहुत परेशान है अपने बेटे के लिए। आप लोग जैसे चाहें इनके लिए जल्द से जल्द मदद करने की कोशिश करें। खुदा हाफिज़, जय हिंद।